थोड़ी गाड़ी मिलेगी, आज लिखा हुआ था। हाँ मिलेगी, रात में मिलेगी। रात में? हाँ, वो तो एक चली गई ना। हाँ? एक चली गई नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्निशन और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राजा। महिला दिवस के मौके पर रेल प्रशासन ने भी एक बार फिर से महिलाओं को सशक्त करने का नया प्रयास किया है। जी हम आपको बता दें कि पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन को महिलाओं के हवाले कर दिया गया है। वहां के स्टेशन मास्टर से लेकर के टिकट काउंटर से लेकर टीटी तक महिलाओं के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहां पे महिलाओं को लेकर के एक नया प्रयास किया गया है। प्रशासन का कहना है कि हम आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे लोगों को महिलाओं की शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ महिलाओं का भी कहना है कि हम अपनी क्षमता को लोगों के सामने दर्शाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। क्या कुछ कह रही हैं स्टेशन मास्टर, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। क्या महसूस कर रहे हैं आज महिला दिवस के अवसर पे? हम लोगों को, सभी महिलाओं को यहाँ पे ड्यूटी के लिए लगाया गया है गुलजारबाग स्टेशन पे। मैं सोनम कुमारी एज स्टेशन मास्टर काम कर रही हूँ, और आज इस पॉइंट पे काम करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे। आपने सुना कि स्टेशन मास्टर क्या कुछ कह रही हैं। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं की कार्य कुशलता को दर्शाया जा रहा है। रेलवे के इस प्रयास से रेलवे महिला कर्मी ने भी खुशी जताई है और कहा है कि इससे उन्हें अपनी कार्य कुशलता और क्षमता दिखाने का मौका मिल रहा है। रेल प्रशासन का कहना है कि इससे एक तरफ महिला सशक्तिकरण अभियान को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है, यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी मिलेगी, आज लिखा हुआ था। हाँ मिलेगी, रात में मिलेगी। रात में? हाँ, वो तो एक चली गई ना। हाँ? एक चली गई इसलाम को। हाँ ये बता, रात में। तो आपको बता दें कि इस तरीके से रेल प्रशासन ने एक बार फिर से महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश की है, और एक बार फिर से महिला दिवस के मौके पर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।